शनिवार शाम करीब 5 बजे नई अनाज मंडी दुकान नंबर 528 में अज्ञात लुटेरों द्वारा दुकान के मुनीम की कनपट्टी पर देसी कट्टा रखकर 4,10,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। नई अनाज मंडी में 528 दुकान के मालिक ने बताया कि अज्ञात लोग दुकान के बाहर तख्त पर बैठे रहे और अचानक अंदर आकर मुनीम की कनपट्टी पर पिस्तौल लगाकर 4 लाख की राशि को लूटकर फरार हो गए। मौके पर डीएसपी राजीव कुमार एवं डीएसपी वीरेंद्र सैनी ने पहुंचकर मौके का मुआयना किया और सारे हालात का जायजा लिया। डीएसपी राजीव कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि अनाज मंडी में अज्ञात लुटेरों द्वारा आरती की दुकान पर पिस्तौल की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि लुटेरों को गिरफ्तार करने के लिए तुरंत ही कार्यवाही की जा रही है और उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यहां हम आपको बता दें कि करनाल क्राइम सिटी बनता जा रहा है, जिसके चलते पिछले कई दिनों से कई वारदातें हुई हैं। उसी कड़ी में आज एसपी सुरेंद्र सिंह भोरिया द्वारा 27 जुलाई को घरोंडा व करनाल में पेट्रोल पंपों पर वारदात करने वाले गिरोह के लोगों को गिरफ्तार करने के बारे में जानकारी दी गई, तो वहीं तुरंत शाम को इस वारदात से शहर के लोगों को हिलाकर रख दिया और मंडी के आरती भयभीत दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन से अनुरोध किया कि अनाज मंडी में आरती को सुरक्षा मुहैया कराई जाए ताकि ऐसी वारदात आगे ना हो। मौके पर पुलिस ने आसपास के दुकानदारों से सीसीटीवी कैमरे की फुटेज लेकर जांच आरंभ कर दी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।